हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हम ज्ञानम साधनम के एक और वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बर्जीज़ मैनुअल की बात करेंगे। ठीक है, बर्जीज़ मैनुअल वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ये एक बुक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये एक बुक है बैक्टीरियोलॉजी की। इस बुक में क्या है, किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम, इस बुक में हम क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। मतलब बैक्टीरिया कैसे कैसे क्लासिफाइड है और हम उसे कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस चीज़ की हम स्टडी करते हैं बर्जीज़ मैनुअल में। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ मैनुअल पब्लिश इन 1923। फर्स्ट एडिशन जो था बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन का, वो कब पब्लिश हुआ, 1923 में। एंड इट वॉज मेनली बेस्ड ऑन फिनोटिपिक कैरेक्टराइजेशन। फिनोटिपिक कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है बाहरी स्ट्रक्चर, फिजिकल अपियरेंस कह सकते हैं। ठीक है, बट एज नाउ न्यू इन्फॉर्मेशन पोर्ड इन एज द रिजल्ट ऑफ रिसर्चेज एट बायोकेमिकल और मॉलिकुलर लेवल्स, कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट ऑफ हायर टैक्सोनॉमिक ग्रुप एटसेट्रा। लेकिन आज के समय को देखते हुए, जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, तो अलग अलग रिसर्चेज, उनकी बायोकेमिकल स्टडीज, उनके कंपोजिशन कैसे कैसे मिलके बने हैं, मॉलिकुलर लेवल और भी कई चीज़ों की स्टडी करके उसे और वास्ट कर दिया है और नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई है। तो आगे बात करते हैं, इन द एट्थ एडिशन ऑफ द मैनुअल पब्लिश्ड इन 1974 डिस्टिंग्विश बैक्टीरिया फ्रॉम अदर माइक्रोब्स एंड ए टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। एट्थ एडिशन में, जो बर्जीज मैनुअल का एट्थ एडिशन था, उसमें बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया दूसरे माइक्रोब से और एक अलग प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया। ठीक है, दूसरे माइक्रोब से उसे बिल्कुल अलग कर दिया गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स वर डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स आप जानते हैं, पुराने जो सेल्स होते हैं, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप उस पर स्टडी कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स की कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं होती, सिर्फ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स को ही बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, तो उन्हें ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक साइनोबैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया। ठीक है, तो और उसके बाद बैक्टीरिया को 19 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का कोई फर्दर ग्रुप नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया 19 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइडेड है। तो देख लेते हैं, फ्लो चार्ट बना था छोटा सा। ये प्रोकैरियोट्स दो पार्ट में डिवाइडेड, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फिर 19 ग्रुप्स में डिवाइडेड। किंगडम प्रोकैरियोट की बात करें, तो आप इसके बारे में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की वीडियो रेफर कर सकते हैं, जो मैं पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं डिवीजन। फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया की, जो ये हमारा डिवीजन है, प्रोकैरियोट्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट डिवीजन साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया है क्या, दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, यानी कि ऐसे प्रोकैरियोट्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एंड देयर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ हर प्लांट्स। जैसे हमारे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, उसी तरीके से ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल एंड फाइकोबिली प्रोटीन्स। इसके अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल और फाइकोबिली प्रोटीन्स। हमारे प्लांट्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल्स, जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। दीज बैक्टीरिया यूजली अकोअर्स एज सिंपल और ब्रांच्ड चेन ऑफ सेल्स। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सिंपल पाए जाते हैं, मतलब अकेला मिल जाएगा, या फिर ब्रांच्ड चेन, कई सारे गुच्छे में एक चेन बनाए हुए, एक इस तरीके की चेन बना के, और उससे कई सारे ऐसे जुड़े हुए, कुछ ऐसे जुड़े हुए मिल सकते हैं। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, स्पोर्स और फ्रेगमेंटेशन। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। बाइनरी फ्यूजन, अपनी बॉडी को दो में डिवाइड कर लेना, स्पोर्स का मतलब स्पोर्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, जिससे नई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से गैमेट्स होती है। फ्रेगमेंटेशन, अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके और उसके बाद आगे डेवलपमेंट करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिवीजन टू बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया दे आर यूनिसेलुलर। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, यानी कि एक सेल वाले। आगे बात करते हैं, दे आर कैरेक्टराइज बाय रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इनकी सेल वॉल कैसे मिलके बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, देयर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज एनएरोबिक। इनका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कैसा होता है, एनएरोबिक होता है। दो तरीके के होते हैं, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक होता है हमारा जो एयर की प्रेजेंस में हो, जिसे एयर की या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, और एनएरोबिक जिसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक, देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर बैक्टीरिया क्लोरोफिल।
इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? बैक्टीरियल क्लोरोफिल। कुछ जो प्रजाति होती हैं, कुछ जो टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं कौन सा पिगमेंट यूज करके? बैक्टीरियल क्लोरोफिल यूज करके। ठीक है, द डिविजन बैक्टीरिया हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इंटू 19 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, टाइप ऑफ मूवमेंट, रेस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन एटसेट्रा। ये जो बैक्टीरिया है ये 19 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। किस किस के बेसिस पे? एबिलिटी ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, रेस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन पे कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है, और एटसेट्रा, यानी कि और भी क्या क्या पार्ट्स हैं। चलिए बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। चलिए तो बात करते हैं फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय बैक्टीरिया क्लोरोफिल। किसके द्वारा कैरेक्टराइज करे गए हैं? बैक्टीरिया क्लोरोफिल द्वारा। कौन से पिगमेंट्स एक तरीके से स्टोर होते हैं इनमें? बैक्टीरिया क्लोरोफिल स्टोर होता है। ठीक है, ओक्वर मेनली इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स। मेनली कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर मोटाइल, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। मतलब मोटाइल का मतलब चल सकते हैं, चलते किससे हैं बैक्टीरिया? फ्लैजिला की मदद से। और नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि उनमें फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक है, इस ग्रुप में यानी कि फर्स्ट ग्रुप है हमारा फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इस ग्रुप में क्या क्या आता है? एक सिंगल ऑर्डर आता है, 3 फैमिली और 18 जनरा, जिनके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है इसके अंदर कितने फैमिलीज कितने जनरा आते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये ऑर्डर, फैमिली, जनरा कैसे पता लगाते हैं, ये क्या क्या होते हैं ये। ठीक है, इनके बारे में एक पर्टिकुलर स्टडी करेंगे हम। ग्रुप टू की बात करते हैं, कौन से होते हैं ये हमारे? ग्लाइडिंग बैक्टीरिया। ग्रुप सेकंड में कौन से होते हैं? ग्लाइडिंग बैक्टीरिया। प्रोड्यूस स्लाइम एंड शो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ग्लाइडिंग बैक्टीरिया शब्द समझ में आ रहा होगा, ग्लाइड यानी कि फिसलते हैं ये। ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं? स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं, एक तरीके का लिक्विड केमिकल सब्सटेंस है जिसकी मदद से ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि एक तरीके से रेंगने वाला मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, सम फॉर्म्स प्रोड्यूस ब्राइटली कलर्ड माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज। ग्लाइडिंग बैक्टीरिया के कुछ फॉर्म्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? ब्राइटली कलर्ड माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब कि फ्रूटिंग बॉडीज पर वो करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया कुछ प्रजाति। आगे देखते हैं, ऑक्वर अविडेंटली इन सॉइल, यानी कि सॉइल में बहुत ही गंभीर मात्रा में, गंभीर का मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। डिकम्पोजिंग प्लांट मैटर एंड एक्वेटिक एनवायरमेंट। जो प्लांट जैसे पत्तियां गिर गई पेड़ से, वो जमीन पे जब गिर जाती हैं उसके बाद वो सड़ती हैं, तो उस पर पाए जाएंगे डिकम्पोजिंग प्लांट मैटर एंड एक्वेटिक एनवायरमेंट, और जो पानी के आसपास जो गीली सतह होती है वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में क्या क्या आते हैं? 2 ऑर्डर आते हैं, 8 फैमिली, 21 जेनरा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको याद रखना है किस ग्रुप में कितना क्या आता है। ठीक है, एडिशन में और इसमें 6 जनरा आते हैं। अनसर्टेन एफिलिएशन, अनसर्टेन एफिलिएशन का मतलब इनके बारे में पूरी प्रॉपर डिटेल्स नहीं है, और अभी इन्हें हम कन्फर्मली ये नहीं कह सकते ये इसी में रखे जाएंगे, और किसमें भी मूव करे जा सकते हैं, इसलिए इनकी कुछ ही डिटेल्स है, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ग्लाइडिंग बैक्टीरिया ग्रुप से मैच हुई है, तो इसलिए इन्हें इसमें रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रुप थर्ड की, जिसे हम शीत्र बैक्टीरिया भी कहते हैं। शीत्र बैक्टीरिया में आपको शीत वर्ड से समझ में आ रहे हैं, यानी कि कोई कवरिंग होगी। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं, रॉड की तरह होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है, सराउंडेड बाय अ शीत ऑफ इनसॉल्युबल कंपाउंड्स ऑफ Fe एंड Mn, आयरन और मैग्नीट। Fe आयरन होता है, Mn मैग्नीज होता है, तो आयरन और मैग्नीज से बनी हुई एक शीत से कवर होते हैं। शीत का मतलब एक लेयर से। ठीक है, ये लेयर कैसी होती है? इनसॉल्युबल होती है। इनसॉल्युबल का मतलब घुल नहीं सकती, जैसे पानी में गए पानी में मिक्स हो जाते, पानी में मिक्स नहीं होगी। ठीक है, ये मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल, दोनों ही तरीके के होते हैं, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी, और ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, इसके बारे में आप ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे, उसकी वीडियो में डालने वाला हूँ बहुत ही जल्द। ठीक है, ग्राम नेगेटिव होते हैं। सम है फ्लैजिला, कुछ में फ्लैजिला होते हैं। इस ग्रुप में क्या क्या आते हैं? 7 जेनरा आते हैं, 7 जेनरा इंक्लूड होते हैं शीत बैक्टीरिया में। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रुप फोर्थ में, बर्डिंग या अपेंडेज बैक्टीरिया। बर्डिंग या अपेंडेज बैक्टीरिया शब्द से समझ में आ रहा है, बर्डिंग यानी कि बर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस फिलामेंटस आउटग्रोथ कॉल्ड प्रोथिका। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फिलामेंटस, फिलामेंट्स लाइक कुछ इस तरीके की आउटग्रोथ डेवलप करते हैं, जिसे हम प्रोथिका कहते हैं, फ्रॉम बॉडी ऑफ द सेल, मतलब इस सेल की बॉडी से। ठीक है, एंड अदर्स हैव होल्ड फास्ट,
होल्ड फास्ट एक पत्ते लाइक स्ट्रक्चर होती है थोड़ी सी, वो जनरेट करते हैं। दीज अपेंडिजेस हैव देम इन अटैचमेंट टू सम ऑब्जेक्ट्स। ये जो इन्होंने अपना फिलामेंटस आउटग्रोथ करी या फिर ये जो होल्ड फास्ट बनाया, ये किस काम आता है? ये इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट से स्टिक होने में, यानी किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपकने में काम आता है। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ रॉड्स दैट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग बड और अपेंडिजेस। इसके इस ग्रुप के और भी जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मिंग बड और अपेंडिजेस। बड बना के या इसी तरीके के अपेंडिज बना के किसी और चीज़ से अटैच होने में काम आते हैं अपेंडिज, तो इसी तरीके के अपेंडिज बना के ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। दे मल्टीप्लाई बाय बडिंग एंड फिजन, और इनमें बडिंग भी होती है फिजन भी होता है। बडिंग आपको यहीं से मिल गया कि ये बडिंग प्रोड्यूस करेंगे, बर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ऑक्वर इन सॉइल और एक्वाटिक एनवायरनमेंट, सॉइल में और एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। ठीक है, इस ग्रुप में कितने जेंडा आते हैं? 17 जेंडा आते हैं बस। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारा आता है ग्रुप फिफ्थ, स्पायरोचेट्स। दीज बैक्टीरिया आर स्लेंडर, स्लेंडर टाइप में होते हैं, फ्लेक्सस एंड हेलिकली कॉइल्ड, वेरिंग इन लेंथ फ्रॉम 300 to 500 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है हमारा 10^-6 की रेंज। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? स्लेंडर शेप्ड होते हैं, फ्लेक्सस होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें, हेलिकली कोइल्ड यानी कोइल्ड होते हैं, हेलिकल टाइप, हेलिक स्ट्रक्चर देखी होगी आपने डीएनए की इस तरीके से। ठीक है, वेरिंग इन लेंथ, लेंथ में वेरिएशन रहता है, फ्रॉम 300 to 500 माइक्रोमीटर, 300 to 500 माइक्रोमीटर के रेंज में लाई करते हैं। सम आर सेप्रोफाइट एंड अदर्स आर पैरासाइट, कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक कौन से होते हैं? जो पैथोजेनिक टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। पैरासिटिक वो जो दूसरे ह्यूमंस बीइंग्स या एनिमल्स को हार्म करें, उन्हें नुकसान पहुंचाएं। मोटाइल होते हैं, मल्टीप्लाई बाय ट्रांसवर्स फिशन, ट्रांसवर्स फिशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रुप इंक्लूड्स 5 genera, 1 family, 1 order। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्पाइरल एंड कर्व्ड बैक्टीरिया, ये हमारा ग्रुप 6 है। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेलिकली कॉइल्ड, ये भी हेलिकली कॉइल्ड होते हैं लाइक स्पायरोचेट्स। दे हैव रिजिड सेल वॉल, सेल वॉल इनकी कैसी होती है? रिजिड, ठोस। इन सम स्पीशीज स्पायरल इज नॉट कम्प्लीट एंड एज सच दे बिकेम कोमा शेप्ड। कुछ स्पीशीज में क्या होता है, ये जो स्पायरल शेप्ड होती है ये कम्प्लीट नहीं होती, तो ये कौन सी शेप बना लेते हैं? कोमा शेप्ड बना लेते हैं। ठीक है, दे आर फ्री लिविंग, फ्रीली पाए जाते हैं। सेप्रोफाइट्स किसी से जुड़े हुए पाए जा सकते हैं, पैरासाइट्स या फिर किसी को नुकसान पहुँचाते हुए पाए जा सकते हैं। मोटाइल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं इनमें? फ्लैजिला होता है मोटाइल स्ट्रक्चर, वो तो हम जानते हैं बैक्टीरिया फ्लैजिला का यूज करता है। और ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, ग्राम स्टेनिंग पता लगेगा। ग्रुप कौन कौन से होते हैं इसमें? 2 genera होते हैं प्लेस्ड इन 1 family और 4 genera होते हैं अनसर्टेन एफिलिएशन, जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रुप 7 के बारे में। ग्राम नेगेटिव, जिन्हें हम एरोबिक रोड्स एंड कोकाई कहते हैं, मतलब ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, इनका नाम है एरोबिक रोड्स एंड कोकाई। रोड्स रोड शेप्ड, कोकाई कोकाई शेप्ड यानी कोमा शेप्ड। ठीक है, रोड्स एंड स्वेयर्स गिव नेगेटिव रिएक्शन ऑन ग्राम स्टेनिंग एंड रिक्वायर ऑक्सीजन इन लाइफ। ये जो रोड्स और स्वेयर शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? नेगेटिव रिएक्शन शो करते हैं किस पे? ग्राम स्टेनिंग में। और इन्हें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदगी में, यानी कि एरोबिक होते हैं। ठीक है, ग्रुप इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि एरोबिक होंगे। नेगेटिव रिएक्शन देते हैं ग्राम स्टेनिंग पे, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ऑल्दो दे हैव सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, इनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि जो इनकी बाहरी स्ट्रक्चर है, दिखने वाली फिजिकल अपीयरेंस है, वो सिमिलर होगा। दे वेरी इन बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके डिफर करते हैं, जैसे कि इनके जो मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, नाइट्रोजन का कंपोजिशन या कार्बन कंपाउंड का कंपोजिशन, वो इनका वेरी करता है। ठीक है, ये पैथोजेनिक टू ह्यूमन एंड एनिमल्स होते हैं, पैथोजेनिक यानी कि पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, ये लिखा पैथोजेनिक। दीज बैक्टीरिया ऑक्वर इन टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल यानी हमारे लैंड पे, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट यानी कि पानी में। ठीक है, ग्रुप में क्या क्या होते हैं? 5 families होती हैं रिप्रेजेंटेड बाय 14 genera, 14 genera रिप्रेजेंट करते हैं 5 family को, और 6 genera होते हैं ऑफ अनसर्टेन एफिलिएशन। अनसर्टेन एफिलिएशन का मतलब जिनके बारे में अभी पूरी जानकारी हमें नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रुप 8 की। ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनएरोबिक रॉड्स। फैकल्टेटिव एक तो वर्ड हो गया, फैकल्टेटिव एक हो गया आपका ऑब्लिगेट। ठीक है, इन वर्ड को समझ लेते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब है कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, एक कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो वो दूसरी कंडीशन पर सर्वाइव कर लेगा। जैसे कि अगर
कोई बैक्टीरिया है वो एरोबिक है, यानी कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए या अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो फैकल्टेटिव एरोबिक है तो अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो भी वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑब्लिगेट एरोबिक हुआ तो अगर ऑक्सीजन होगी तभी वो फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। फैकल्टेटिव एक कंडीशन अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर वो दूसरी कंडीशन पर सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन ऑब्लिगेट अगर एक कंडीशन नहीं है तो फिर वो दूसरी कंडीशन पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो बात करते हैं ग्रुप 8 की, ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक रोड्स। एनारोबिक रोड्स यानी कि इनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और अगर ऑक्सीजन मिल भी आती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। देखते हैं, रोड्स गिव नेगेटिव रिएक्शन ऑन ग्राम स्ट्रेन, यानी कि ग्राम नेगेटिव होते हैं, एंड दैट मे सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही एनारोबिक हो गए, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफर इन बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सेरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल या सेरोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अलग अलग होते हैं। मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों ही होते हैं। मोटाइल किस होते हैं? पेरिट्राइकस होम से। पेरिट्राइकस एक फ्लैजिलस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक हिस्से पे होगा या एक या दो, पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे, ठीक है। दे आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन बींग्स, यानी पैरासिटिक होंगे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसके लिए पैथोजेनिक है? ह्यूमन बींग, प्लांट, एनिमल्स, सबको इन्फेक्ट करते हैं। ऑकर इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, सभी तरीके के एनवायरमेंट पाए जाते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो, ठीक है। ग्रुप इंक्लूड्स टू फैमिलीज रिप्रेजेंटेड बाय 17 जनरा, दो फैमिली जिनके अंदर कितने जनरा, 17 जनरा, और 9 जनरा ऑफ अनसर्टेन एफिलिएशन, 9 जनरा जिनमें एफिलिएशन नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रुप 9th की, इसमें हमारे आते हैं ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। शब्द से समझ में आ गया, इसमें बैक्टीरिया कैसे होंगे? ग्राम नेगेटिव होंगे, एरोबिक होंगे यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दे आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट वर्ड आ गया, यानी कि केवल एनारोबिक रहेंगे, एरोबिक नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑकर्स इन ओरल कैविटी, इंटेस्टाइन एंड फेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। प्लियोमॉर्फिक, जो प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं इस ग्रुप के अंदर, जो कहाँ ऑकर होते हैं? ऑकर इन ओरल कैविटी, इंटेस्टाइन एंड फेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की फेसेस का मतलब ह्यूमन बींग्स की जो पॉटी होती है उसके अंदर, ठीक है। मोटाइल फॉर्म्स आर पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस मैंने अभी आपको बताया पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, या फिर मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब होता है कि एक एंड पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो, जैसे एक बैक्टीरिया इसके एक एंड पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो, मोनोट्राइकस, ठीक है। सम स्पीशीज आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, कुछ स्पीशीज कैसी होती हैं? पैथोजेनिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स होती हैं, मतलब कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करती हैं। इस ग्रुप में क्या क्या आता है? 3 जनरा आते हैं प्लेजनरन फैमिली, और 6 जनरा आते हैं अनसर्टेन एफिलिएशन के, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रुप 10th को, ग्रुप 10th हमारा है ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड कोकोबैसिली। कोकाई आपको समझ में आएगा, कोकोमा शेप्ड है, ग्राम नेगेटिव है, कोकोबैसिली ये भी एक तरीके की शेप होती है। ग्राम नेगेटिव होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, चल नहीं सकते, एरोबिक होंगे। कोकाई एंड कोकोबैसिली विच ऑकर इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, जो ह्यूमंस की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें पाए जाते हैं, यानी स्किन के अंदर। लिमिटेड एबिलिटीज टू ब्रेक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, बहुत लिमिट क्षमता होती है, हर कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ सकते, कुछ ही लिमिटेड टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को ये तोड़ सकते हैं। इस ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक फैमिली रिप्रेजेंटेड बाय 4 जनरा, 2 जनरा ऑफ अनसर्टेन एफिलिएशन, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्राम नेगेटिव एनारोबिक कोकाई। ग्राम नेगेटिव होगा, एनारोबिक होगा और कोमा शेप्ड होगा, ठीक है। तो क्या हो गए? ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल एनारोबिक बैक्टीरिया, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल या कोमा बात एक ही है। ऑकर इन पेयर्स, पेयर्स में मिलेंगे, मासेज में मिलेंगे या फिर चेन्स में मिलेंगे। पेयर यानी कि दो के गुच्छे में, मार्च में यानी कि पूरी कॉलोनी एक साथ काफ़ी सारे, ये देखो गोल 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 मास हो गया, और या फिर चेन्स में, एक स्ट्रेट चेन्स में मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑकर इन रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी यानी कि हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है जिससे हम सांस लेते हैं वहाँ पर, और इंटेस्टाइनल यानी कि आंत में, कहाँ पर? ह्यूमंस के, एंड एनिमल्स, एनिमल्स में भी यहीं पर, बट नॉट रिगार्डेड एज पैथोजेनिक, लेकिन ये पैथोजेनिक नहीं होते, यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, पाए जाते हैं पर नुकसान नहीं पहुँचाते, ठीक है।
डिलिमिटेशन ऑफ स्पीशीज इन दिस ग्रुप इज लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस ग्रुप में स्पीशीज कैसे रखे गए हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रखे गए हैं। ग्रुप इंक्लूड्स वन फैमिली रिप्रेजेंटेड बाय थ्री जेनरा, तीन जेनरा को रिप्रेजेंट करती है एक फैमिली। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रुप 12 ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये एक तरीके का न्यूट्रिशन होता है जो आपको न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया वीडियो में मिलेगा, मैं भी आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विच ड्राइव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे उनका ऑक्सीडेशन करके। ठीक है, शेप इज रोड लाइक, कैसी शेप होती है, रोड लाइक होती है, स्फेरिकल होती है और स्पाइरल। रोड लाइक यानी रोड की तरह होंगे, स्फेरिकल गोल गोल होंगे, स्पाइरल यानी हेलिकल स्ट्रक्चर टाइप। ठीक है, मोटाइल किसकी मदद से, फ्लैजिला की मदद से। नॉन पैथोजेनिक होते हैं यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाते। कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड होता है, दो फैमिली रिप्रेजेंटेड बाय 17 जेनरा, 17 जेनरा रिप्रेजेंट करते हैं दो फैमिली को। ठीक है, आगे देखते हैं हम ग्रुप नंबर 13 को, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक वर्ड से समझ में आ गया, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कैरेक्टराइज बाय द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मिथेन अंडर एनारोबिक कंडीशन। ये क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशन यानी कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, यानी कि सॉइल पे और हमारे एक्वाटिक यानी पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर ग्राम पॉजिटिव, कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, बट सम आर ग्राम नेगेटिव। ज़्यादातर इस ग्रुप के कैसे होंगे, ग्राम पॉजिटिव, लेकिन कुछ होंगे कैसे होंगे, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्रुप इंक्लूड्स 8 जेनरा प्लेस्ड इन वन फैमिली, एक फैमिली में प्लेस करे गए हैं 8 जेनरा। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 की, यह है हमारा ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा और कोकाई शेप्ड यानी कोमा शेप्ड होगा, स्फेरिकल शेप्ड होगा। ठीक है, तो देखते हैं ग्राम पॉजिटिव पैथोजेनिक या सेप्रोफिटिक। पैथोजेनिक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला, सेप्रोफिटिक दूसरे के साथ रहने वाला। कोकाई शेप्ड यानी कोमा शेप्ड होंगे। ओकोर सिंगली पेयर क्लस्टर चेन, सिंगल पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं यानी क्लस्टर, और चेन यानी कि एक लाइन में, एक कतार में पाए जाते हैं। हैबिटेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में, फ्रेश वाटर में, म्यूकस मेम्ब्रेन और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, उनके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं सॉइल में और फ्रेश वाटर में। ग्रुप में क्या क्या इंक्लूडेड है, थ्री फैमिली 12 जेनरा। ठीक है, एंडोस्पोर फॉर्मिंग रॉड्स एंड कोकाई। एंडोस्पोर्स हमें पता है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, आगे मैं इसकी वीडियो बना दूंगा एंडोस्पोर स्टेनिंग के ऊपर। ठीक है, जिस किससे कैसे हम पता लगा सकते हैं एंडोस्पोर कैसे क्या होता है। तो ये क्या है, कैरेक्टराइज बाय एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंडोस्पोर, एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रोड शेप्ड, कैसे होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, एरोबिक या एनारोबिक, ऑक्सीजन लेंगे भी या नहीं भी ले सकते हैं। पैथोजेनिक होते हैं यानी कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। ग्रुप इंक्लूड्स वन फैमिली विद 5 जेनरा, एक फैमिली 5 जेनरा होंगे और एक जीनस होगा अनसर्टेन एफिलिएशन का। ठीक है, जेनरा और जीनस में अंतर नहीं करिए, एक ही चीज है, जेनरा हो या जीनस हो एक ही चीज है। आगे बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव एस्पोरोजीनस रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, ये हमारा ग्रुप नंबर है 16। कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एनारोबिक होते हैं एंड मोस्टली अकोर इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि एनारोबिक कंडीशन यानी बिना ऑक्सीजन प्रेजेंस के रहते हैं और मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, दूध में या दूध से बने हुए प्रोडक्ट में, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का हम कह सकते हैं। फर्मेंट मिल्क शुगर, जो मिल्क शुगर फर्मेंट करी जाती है उनमें, फर्मेंट में क्या प्रोसेस होता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। मिल्क शुगर जब फर्मेंट होती है तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरे एसिड भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक होते हैं यानी कि किसी को इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं। ओक्वर इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वेजाइना ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एक जीनस लैक्टोबैसिलस नाम है और तीन जनरा ऑफ अनसर्टेन एफिलिएशन। अनसर्टेन एफिलिएशन मतलब जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की, जिसमें हमारे आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, शो प्लियोमॉर्फिज्म एंड कैन फॉर्म ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। क्या शो करते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म यानी अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रांच होगी, ब्रांच निकली हुई होंगी और उसमें फिलामेंट्स होंगे। ठीक है, नॉन मेटाइल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एरोबिक या एनारोबिक होते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, मैनी स्पीशीज पैथोजेनिक टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। पैथोजेनिक यानी इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में। ग्रुप इंक्लूड्स क्या क्या, एक ऑर्डर 8 फैमिली 4 जेनरा। ठीक है,
चार जन काय के अनसर्टेन एफिलिएशन के हैं। ग्रुप 18th रिकेट्सिया, ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। क्या साइज होता है? 0.3 से 0.7 माइक्रोमीटर की विड्थ का, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर लेंथ का, ठीक है। ग्राम नेगेटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि इन्फेक्शन करेगा ही करेगा, अगर इन्फेक्शन नहीं कर पाया तो मर जाएगा। कॉज सेवरल डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कई सारी डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस में और एनिमल्स में। ग्रुप क्या कंक्लूड करता है? 2 ऑर्डर, 4 फैमिली, 18 जेनरा, ठीक है। अब लास्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। लास्ट ग्रुप है हमारा माइक्रोप्लाज्मा। इट लैक्स 2 सेल वॉल, सेलुलर कंटेंट्स एनक्लोज्ड इन ट्रिपल लेयर्ड नॉन रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड नहीं होती, और जो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो ट्रिपल लेयर यानी कि सेल वॉल के अंदर नहीं होते, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ट्रिपल लेयर एक लेयर होती है, उसके अंदर एक लेयर नहीं मतलब 3 लेयर्स होती हैं, उसके अंदर सेलुलर कंटेंट्स भरा होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स यानी कि ऑक्सीजन होगी तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा। ऑक्वर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट दोनों में पाए जाते हैं, किसमें? मैमल्स और बर्ड्स में। ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड होता है? 1 ऑर्डर, 2 फैमिली, 2 जेनरा, ठीक है। तो ये था हमारा बर्जिस मैनुअल के ऊपर वीडियो, आपके इसका नोट्स उसमें टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे की वीडियोस के लिए बने रहें ज्ञानम साधनम के साथ। थैंक यू वेरी मच।